श्रीमंदिर सुरक्षा चिंता हाइकोर्टे तथ्य न रखिपारी दुई सप्ताह महलत मागिछे एसआई मे 16 तारीख को घुंची सुनानी श्रीमंदिर स्थिति अनुध्यान करिछि टीजी वेंकटेश अध्यक्षतारे केन्द्र सरकार संस्कृति पर्यटन और परिवहन विभाग संसदीय कमिटी टीम महाप्रभु दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था जांच करछंती टीम सह थिले एएसआई एडीजी हाइकोर्टे श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग प्रकल्प शुणी बेआईनी खनन को नहीं होई सुनानी तथ्य रखा दुई सप्ताह मोहलत मागिला एएसआई मे 16 तारीख को घुंचला शुणी परिक्रमा प्रकल्प नहीं उभय राज्य सरकार और एएसआई विशेषज्ञ मिलित जांच करी सानी रिपोर्ट देवा हाइकोर्ट निर्देश देते सामाजिक कर्मी दिलीप बरालों पक्ष दायर जनस्वार्थ मामला रुजु कर सेपटे भुवनेश्वर जने सामाजिक कर्मी पक्ष एक इंटरव्यूनिंग पिटीशन दाखल कर अन्यपटे 27 तारीख में श्रीमंदिर बंचा अभियान तरफ पुरी में एक विशाल शोभायात्रा हो विभिन्न संगठन सह भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी सामिल है सांबादिक सम्मेलन में कहा कोर्ट ने दो वीक का टाइम दिया है ठीक है और दो वीक में हमारा रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा पार्लियामेंट में उठाई थे भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी निमंत्रण कर पुरी श्रीमंदिर में सांसद स्टैंडिंग कमिटी 22 जनिया टीम टीजे वेंकटेश अध्यक्षतार आसीला टीम भक्त दर्शन सुरक्षा व्यवस्था संपर्क करते अनुधान केन्द्र सरकार को संस्कृति पर्यटन और परिवहन विभाग संसदीय कमिटी सदस्य श्रीमंदिर में महाप्रभु दर्शन करते संसदीय कमिटी सदस्य तथा महाराष्ट्र सांसद संभाजी राव छत्रपति एएसआई अनुमति अनुजाई प्रकल्प कार्य होगा उचित अन्यपटे महाप्रभु दर्शन सारी एएसआई एडीजी आलोक त्रिपाठी निजर प्रतिक्रिया रखी ये मामला कोर्ट में है कोर्ट के आदेशों की पालन हर विभाग करेगा और उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते जितना हेरिटेज हम मेंटेन कर सकते जितने हेरिटेज में रिस्टोरेशन कंजर्वेशन कर सकते उतना करना चाहिए एएसआई की भी जवाबदारी है और जो यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है बोर्ड है उनकी भी जवाबदारी है दोनों मिलके ये करना चाहिए। श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग प्रकल्प भाग्य भविष्य को नहीं प्रश्न उठी बेले राज्य सरकार पक्षर कमिटी केबे आसी स्थिति अनुधान कर वर्तमान समस्त नजर पुरी रंजित मिश्र रिपोर्ट एमबीसी न्यूज़।